गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम करेंगे पुल, मतलब अपने को करना है बैक, बाइसेप्स एंड फोरआर्म। तो करते मुझे एक चीज बतानी थी, जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करते तो अच्छे से वार्म अप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं वार्म अप का भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ये थोड़ा सीरीज खत्म होने के बाद। तो आपको ड्रिल्स पता चलेंगे कि उसके पहले क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में। यस, उसके बाद स्ट्रेचेस का भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता चले कि वर्कआउट के बाद स्ट्रेचेस करना क्यों इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो में सब आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो अभी हिट करते अपन पुल, है ना, मिलते हैं, चलो। मौसम काफी अच्छा हो रखा है आज, जबरदस्त। सही है, कल के बारिश के बाद तो साला मजा ही आ गया। अभी बस करो, बहुत हो गई बारिश। तो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी पुलअप्स, जैसे मैं मार रहा हूँ। आपको एक बार पकड़ना है, कौन सा भी बार पकड़ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। और प्रॉपरली अपने आप को बैक से पुल करना है, ज़्यादा आर्म्स का यूज़ मत करना, है ना। और ऊपर एक्सेल करो, ताकि आपको कॉन्ट्रैक्शन में अच्छे से माइंड मसल कनेक्शन फील हो, जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। उसके बाद लेंगे हम लैट पुल डाउन। ये लैट पुल डाउन की मशीन है, काफ़ी जिम में अलग अलग मशीन्स होते हैं। किसी किसी को बार आता है जो अपना नीचे फ्लेक्सिबल रहता है ना, आप वो भी ले सकते हो। ये परफॉर्म करते टाइम आपको याद रखना है कि आपको लैट से ही पुल करना है, एल्बो का इस्तेमाल करना, वो निंजा टेक्निक है। ओके, एल्बो से जब आप खींचोगे तो अपने आप बैक से खींचा जाएगा बैक। तो लैट पे फोकस करके प्रॉपरली उसको खींचो, और जब हम नीचे खींच रहे हो तो हमको ब्रीद आउट करना है। थर्ड एक्सरसाइज लेंगे अपन सिंगल आर्म रोइंग। अभी हम जब सिंगल आर्म रोइंग करें तो काफ़ी लोग एल्बो ज़्यादा बेंड करते हैं, तो ज़्यादा एल्बो को बेंड करना नहीं है हमें। ओके, अपन बैक से रो कर रहे हैं, तो जितना आपका एल्बो पीछे आएगा उतना आपका बैक अच्छे से प्रॉपर रो कर पाएगा, एंड एक्सेल बैक वाइल्ड पुलिंग। अपनी फोर्थ एक्सरसाइज रहेगी केबल पुल ओवर। ये मल्टी सेशन पे अपन परफॉर्म करते हैं। ये थोड़ा अपना डंबल से थोड़ा वेरिएशन हो जाता है, और अच्छी भी है एक्सरसाइज। आपको कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से फील होगा बैक पे। इसमें अपने को प्रॉपरली लैट्स को एंगेज करना है, और हम नीचे कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ब्रीद आउट करेंगे। याद रखो, जब अपन उसको ऊपर छोड़ रहे तो उसको प्रॉपरली स्लोली कंट्रोल से छोड़ना, तभी आपका लैट प्रॉपरली स्ट्रेच होगा। अभी हम बाइसेप्स की वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। हमें दो वर्कआउट्स लेने हैं, एक बाइसेप कर्ल जो जिगजैग बार से करते हैं, और एक हैमर कर्ल। ये तो सबको पता रहता है प्रॉपरली। ओके, जब हम नीचे छोड़ रहे तो एक बात याद रखना कि आपको स्ट्रेच करके छोड़ना है। बहुत से लोग बहुत गलतियाँ करते हैं कि ऊपर ज़्यादा उसको होल्ड करके रखते हैं। मेनली बाइसेप नीचे जब आप छोड़ते हो तो कंट्रोल से छोड़ना है ना। और इसमें अपने को ऊपर ब्रीद आउट करना है, और बाइसेप काफ़ी छोटा मसल होता है, दो ही मसल्स रहते हैं उसमें, तो ज़्यादा बार उसको ट्रेन मत करो। सेकेंड एक्सरसाइज होगी अपनी हैमर कर्ल, जो मैं डंबल से परफॉर्म कर रहा हूँ, सेम। ओके, ज़्यादा उसको ऊपर मत उठाओ, जितना आप ऊपर उठाओगे ना वो आपका एंगल चेंज कर देता है। सेम आपको नीचे स्ट्रेच करना है, और ऊपर कॉन्ट्रैक्शन देना है, और ऊपर ब्रीद आउट करना है। अपनी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी रिवर्स कर्ल। ये मैं केबल पे परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छे से स्ट्रेच आता है। आपको नीचे स्ट्रेच करना है, ऊपर कॉन्ट्रैक्शन देना है, ऊपर ब्रीद आउट करेंगे हम, और फोरआर्म को थोड़ा ट्रेन करते रहो, ताकि आपको लिफ्ट में अच्छे से हेल्प हो पाए। तो ये था अपना पुल का वर्कआउट आज का। कुछ भी एक्सरसाइज परफॉर्म करे थोड़ा सेफली परफॉर्म करना। तो जस्ट वर्कआउट ख़त्म किया है, अभी चलते घर पे। अगर आपको वर्कआउट वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अभी कल लेग का भी सीरीज आएगा, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे करते करते धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। वार्म अप और स्ट्रेचेस भी डालूंगा मैं धीरे धीरे। डोंट फॉरगेट टू वार्म अप बिफोर एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, क्योंकि बॉडी वार्म रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद स्ट्रेचिंग करना भी बहुत मतलब मस्ट है। तो प्लीज़, है ना, चलो मिलते, टेक केयर, बाय बाय।